नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। लालबर्रा थाने में आयोजित हुआ महिला जागरूकता अभियान। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 जनवरी को महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पुलिस थाना परिसर में किया गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ नागरिकों के अलावा क्षेत्रीय बालिकाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर, उप निरीक्षक संदीप सिंह मंगोलिया, विजय सिंह बघेल सहित अन्य पुलिस बल की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित जनों को थाना प्रभारी द्वारा चोरी, चिटफंड, ठगी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, पास्को एक्ट, यातायात नियम सहित अन्य अपराधों या उनके परिणामों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। थाना प्रभारी खातरकर ने उपस्थित जनों से अपील करते कहा कि स्वयं, परिजनों व अन्य वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, यो हेलमेट पहने तथा अन्य को पहनने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सड़क दुर्घटना में अधिकतर मृत्यु बगैर हेलमेट वाहन चालकों की होती है। खातरकर ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करें, जिससे काफी हद तक अपराधों में विराम लग सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है। श्री खातरकर ने कहा कि किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरणों की जानकारी होने पर तत्काल संबंधित थाने पर सूचित करें। बहुत सारी दुर्घटना हो रही है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो हम सबको अपने खुद को और अपने घर वालों को, मोहल्ले में सब लोगों को ये बताना है कि जब हम मोटरसाइकिल लगा के चलें, मोबाइल पर बात न करें, तीन सवारी में बैठा ले, स्पीड से न चले, और जब भी कहीं मुड़ना हो तो बाकायदा हाथ देके मुड़े, लिमिट रखें, ताकि कोई हमारे घर परिवार में ऐसी दुर्घटना न हो जिससे जिंदगी भर जो है आदमी को पछताना पड़े।